माय नेम इज़ अरिंजा, आई स्टडी इन क्लास फिफ्थ है और आज मैं मैजिक कुछ मैजिक दिखाऊंगा और कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स। चलिए शुरू करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का मैजिक है कॉइन मैजिक ट्रिक। तो चलिए देखें। आप देख सकते हैं ये आ चुका है और इसके अंदर एक सिक्का रखा है। आप देख सकते हैं ये एकदम नॉर्मल सिक्का है। अभी मैं इस सिक्के को डबल करूंगा और आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ में कुछ नहीं है और इस कैप में भी कुछ नहीं है। ये तो एक सिक्का है ही और इस कैप में भी कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग इस सिक्के को इसमें डालेंगे, थोड़ा पुश करेंगे, उसके बाद इसमें जादू डालेंगे, जादू मंत्र छू। अब देखना, अब ये सिक्का डबल हो चुका होगा। चलिए उठा के देखें। आपको तो ये एक ही दिख रहा होगा लेकिन अभी ये डबल हो जाए। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। आप देख सकते हैं हम लोग के दोनों सिक्के आ गए हैं। पहले एक था लेकिन अब डबल हो गया। अब चलिए इसको वापस से एक बना देते हैं। कहाँ ये रहा, ये मैंने इसमें डाला और अब जागो मंत्र छू। अब देखना, आप देख सकते हैं ये वापस से एक हो चुका है, इसमें कुछ नहीं, ये वापस से पहले जैसा हो गया। तो इसका सीक्रेट है, आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं सारा सीक्रेट इसी सिक्के में है और वो सीक्रेट है ये। इसके पीछे काला सा स्टिकर है और ये कैप तो नॉर्मल ही है। मैंने इसको ऐसे इसमें डाला, थोड़ा पुश किया और फिर ये इसके अंदर फिट हो गया एकदम। आप देख सकते हैं, तो मैंने ऐसे कुछ कर दिया था। तो ये हो गई हम लोग की पहली मैजिक ट्रिक। चलिए अब दूसरी मैजिक करते हैं। ये है वो नेक्स्ट मैजिक। तो चलिए हम लोग इसमें, हम लोग अभी एक सिक्का लेंगे और उसको हम लोग गायब कर देंगे। तो सिक्का अभी है नहीं, चलिए सिक्का ढूंढ के लाता हूँ मैं। तो मुझे सिक्का मिल गया, यह है 50 पैसे का सिक्का और यह नॉर्मल माचिस। अंदर दिखा, आप देख सकते हैं कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे माचिस होता है। आप देख सकते हैं नॉर्मल माचिस है। हम लोग इस 50 पैसे के सिक्के को इसी से गायब कर देंगे। तो चलिए गायब करें। तो इसको हम लोग सिंपली इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और फिर इसमें जादू डालेंगे, जादू मंत्र छू। अब देखना, जैसे ही मैं उसे उठाऊंगा सिक्का गायब हो चुका होगा। सिक्का गायब हो गया, आप देख सकते हैं सिक्का एकदम गायब हो चुका है। और आपको पता है कैसे? नहीं पता तो अब बताता हूँ। आप देख सकते हैं इसके पीछे सिक्का चिपका हुआ है। ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा और ये पीछे चिपक गया। तो आप सोच रहे होंगे चिपक कैसे गया, तो मैं आपको दिखा दूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मैग्नेट चिपका हुआ है और वही इस सिक्के को ऐसे चिपका ले रहा था। तो ऐसे ही ये मैजिक ट्रिक हो गई। चलिए अब अपनी अगली मैजिक ट्रिक पर चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ दो इस तरह की फोटोज़ आ गई हैं और जब मैं इन दोनों को ऐसे पास में सटाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइए इन दोनों में से सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? मुझे लगता है आपका आंसर ये होगा, यही लंबा होगा। और जब मैं इस वाले को इधर और इस वाले को इधर कर देता हूँ, अब मैं पूछूँगा तो ये वाला आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन जब ऐसे कर दूँगा फिर ये वाला बड़ा लगेगा, फिर ऐसे फिर ये वाला बड़ा लगेगा।
लेकिन ये दोनों असलियत में बराबर ही हैं। ये एक तरह का इल्यूजन मैजिक ट्रिक कह सकते हैं, बस ये दोनों बराबर हैं, ऐसा लगता है कि ये वाला बड़ा है। तो ये तो अब काफ़ी मैजिक हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा साइंस एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। हम लोग को चाहिए होगी एक मोटर, मोटर आ चुकी है। अब हम लोग को चाहिए होगा एक बल्ब, ये बल्ब आ चुका है। अब हम लोग को चाहिए होगा एक फ़ैन, फ़ैन आ चुका हुआ है। अब हम लोग को चाहिए होगा बैटरी विद बैटरी होल्डर, ये है बैटरी विद बैटरी होल्डर। अब हम लोग को चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर, ये आ गया है स्क्रू ड्राइवर। और अब हम लोग को चाहिए होंगे कुछ वायर्स, ये आ गया है हम लोग के पास वायर्स। और कुछ इस तरह की प्लेट जिस पे हम लोग अपनी चीज़ें रखेंगे। बल्ब लिया है तो अब बल्ब होल्डर भी लेना है, ये आ गया बल्ब होल्डर। और हम लोग को चाहिए होगा एक स्विच, ये आ चुका है। अब चलिए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो चलिए इन सबको पहले साइड में रख दे। और सबसे पहले हम लोग लेंगे अपनी मोटर, और हम लोग लेंगे कुछ वायर्स। तो मैंने एक ये वायर ले लिया है, और हम लोग आप देख सकते हैं कॉपर जैसा कुछ लगा, हम लोग इसको इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए अटैच कर दें। तो मैंने एक वायर यहाँ पे अटैच कर दिया, अब हम लोग को दूसरा वायर यहाँ पे अटैच करना है। तो चलिए अटैच करें। तो मैंने कुछ इस तरह से ये दो वायर्स अटैच कर दिए, ये और ये। अब ये जो बल्ब होल्डर है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू लगा है, तो हम लोग अपने स्क्रू ड्राइवर से इसको हल्का सा खोलेंगे और फिर यहाँ पे वायर लगा के ऐसे टाइट कर देंगे जिससे ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसे भी फिट कर लें। तो मैंने यह इसे अटैच कर दिया है। हम लोग एक वायर इस तरफ भी अटैच कर देते हैं। तो चलिए अटैच करें। तो अब मैंने इसे भी अटैच कर दिया है। हम लोग के पास ये जो स्विच है, हम लोग इसको आप देख सकते हैं इसमें ऐसे दो लोहा दिया हुआ है, बीच में होल है। तो एक वायर हम लोग इसको एक होल में लगा देंगे। तो चलिए लगाएं। तो यहाँ से भी एक वायर निकल गया था, वो मैंने जोड़ दिया है। अब हम लोग के पास एक ये है, एक और वायर जिसे हम लोग इस यहाँ पर जोड़ देंगे, ये जो दूसरा होल है इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए इसे जल्दी से जोड़ दें। तो आप देख सकते हैं ये भी जुड़ चुका है। अब हम लोग का काम जल्दी ही होने वाला है। और ये जो बल्ब होल्डर है इसमें हम लोग बल्ब जोड़ देते हैं, ये बल्ब जुड़ गया। और ये जो फैन है इसको अपनी मोटर में जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया। और अब जो है ये हम लोग के पास ये जो बैटरी है इसमें ये बैटरी होल्डर में दो ऐसे लोहे निकले हुए हैं, तो ये जो दो वायर हैं इसको इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए जल्दी से जोड़ दें। तो बैटरी में जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने जोड़ दिया। अब ये मोटर है इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और ये जो लाइट का बल्ब है इसको यहाँ पर रखेंगे। और अब हम लोग का बस आखिरी काम बचा है, वह इस बटन को ऑन करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। 3, 2, 1। आप देख सकते हैं हम लोग का फैन भी घूमने लगा है और लाइट भी जल रही है। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो लाइट भी बंद होगी, फैन भी रुक गया। और जैसे मैंने इसे ऑन किया आप देख सकते हैं फैन भी चल रहा है और लाइट भी जल रही है। मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं, और अब देखते हैं अंधेरे में कैसा लगता है। आप देख सकते हैं ये अभी भी चल रहा है। तो ये था हम लोग का एक्सपेरिमेंट। बाय बाय। मेरा नाम आयुषी कुमारी है, मैं केंद्र विद्यालय अलीगंज
विषय की छात्रा आपको कठपुतली का शो दिखाने जा रही हूँ। Thank you.
जाएगा। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, सब अपने अपने घर में बंद थे। कुछ लोग तो मौज खुशी से अपना वक्त बिता रहे थे, तो कुछ लोग को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। वही एक ऐसा परिवार रहता था जिसमें मम्मी सोनू और साची रहते। सोनू और साची के पापा हैदराबाद में काम करते थे, जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे। सोनू बहुत घमंडी स्वभाव का था, उसके आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था। और इधर साची दयालु और सरल स्वभाव की थी। सोनू बहुत घमंडी स्वभाव का था, जो हमेशा अपनी बहन से लड़ाई करता रहता था। सोनू, मैंने अभी किताबें संभाल के रखी थी, तुमने फिर भी खेल दी। अरे जाजा, तुझे कौन सा स्कूल जाना है, फिर से सजा दे, हमेशा घर ही में तो बैठी रहती है। वो कह के सोनू किचन में चला जाता है और बिस्किट खाने लगता है। कुछ खाता है तो कुछ गिराता है, तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और डांटने लगती है। सोनू, तूने फिर बिस्किट गिरा दिया, मैं अभी साफ करके गई थी, देख कुछ लोग को तो दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है, और तू है कि खाना बर्बाद करने में लगा है। वो सुन के साची आ जाती है और वो देख के उदास हो जाती है। तभी वो खिड़की से झांकने लगती है। वो देखती है कि बालकनी से देखती है कि नीचे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ सुनो, ये बाहर तो लॉकडाउन है ना, तो फिर ये सामने बूढ़ी आंटी क्या इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। तो उस साची की माँ बोलती है, बेटा हम लोग तो अमीर हैं, इसीलिए हम लोग तो मौज खुशी से अपना वक्त बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तभी साची अपनी माँ से बोलती है, माँ हम लोग भी तो अमीर है ना, हम लोग के पास भी तो पैसे हैं, हम लोग भी तो गरीब की मदद कर सकते हैं ना, पापा को कुछ बोलो ना करने को। तो सोनू वहाँ से चिल्लाता है, पागल हो गई है क्या, हम अपने पैसे गरीबों को क्यों बांटे। यह बोल के सोनू खाना खाने चला जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ तू कैसे आजकल खाना बनाने लगी है, मैं नहीं खाऊंगा इसे, ले जाए आज से। और ये कह के सोनू खाना फेंक देता है। वो आवाज सुन के साची वहाँ आती है और सोनू को डांटने लगती है, सोनू ये कौन सा तरीका है माँ से बात करने का, एक तो पापा की वजह से हम लोग। सोनू, अगर तू ऐसे खाना बर्बाद करता रहेगा तो हमें भी वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, पापा की वजह से तो हम वैसे ही परेशान है और तू एक यहाँ खाना बर्बाद करने में लगा हुआ है। तब तक उसके पापा का वीडियो कॉल आ जाता है और मम्मी फोन उठाती है। वीडियो कॉल में पापा बहुत कमजोर लगते हैं, तो माँ पूछती है, क्या हुआ आपको, आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं, आपको खाना सही से मिल भी रहा है कि नहीं। तो पापा सारी बात बताते हैं कि मुझे खाना खाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता है, इसीलिए मैं इतना कमजोर लग रहा हूँ। तभी सोनू वहाँ सोफे पे बैठा सब सुन रहा था। तभी वो माँ से फोन लेके पापा से बात करने लगा, क्या कहा पापा आपने अभी, आपको खाना खाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा मुझे खाना खाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता है। तभी सोनू अपनी माँ को फोन पकड़ा के अपने कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ उसके पीछे पीछे साची आ जाती है और बोलने लगती है, क्या हुआ सोनू, तेरे आँख में ये आंसू क्यों, क्या हुआ है बताना। तो सोनू सारी बात अपनी बहन साची को बताता है। तभी साची बोलती है, देख सोनू हमारे पापा इतने अमीर हैं पर तब भी उन्हें खाना खाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है और तू है कि यहाँ पे खाना बर्बाद करने में लगा है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और बोलती है कि सोनू देख तेरे पापा को लाइन लगा के खाना खाना पड़ता है। तभी सोनू अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कभी भी खाना बर्बाद नहीं करूँगा। और सोनू साची से भी बोलता है, साची सुन अब मैं तुझे भी परेशान नहीं करूँगा।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करना चाहिए, सबसे मिलके रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ। 1 2 3 टच। Thank you. Good morning, everyone. Today, I, Alankrita Singh, student of class 5th A, is going to represent the poem which is based on my future aim, that is a soldier. A soldier, if I die in a war zone, box me up and send me at home. Put my medals on my chest. Tell my mom I did my best. Tell my dad not to bow. He would not get tension from me now. Tell my brother to study perfectly. Tell of my key of my bike will be his permanently. Tell my sisters not to be upset. Her sister will take a long sleep after sunset. Tell my nation not to cry because I am soldier born to die. Thank you everyone and have an auspicious day. मैं सुचिस्मिता साहू केंद्र विद्यालय अलीगंज लखनऊ की कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मेरी कविता की शिक्षक है करने दो हमें पढ़ाई। क्यों आँखों में बसे हो तुम छाई हुई तन्हाई, अभी दूर रहो मुझसे करने दो हमें पढ़ाई। बेकार की बातें मन में उफनाने लगती है, तुझे देख के मेरी आंखें मचलाने लगती है। नजदीक ना मेरे आओ कर लो मुझसे लड़ाई, अभी दूर रहो मुझसे करने दो हमें पढ़ाई। आशाएं बंधी है मुझसे जी, माँ ने सजाया है, बाप ने फुर्सत में संस्कार सिखाए हैं। छू लो शिक्षा को मैं, इसी में मेरी भलाई, अभी दूर रहो मुझसे करने दो हमें पढ़ाई। थैंक। शुभ प्रभात, मेरा नाम काशिका मौर्य है। मैं कक्षा 5 आपके छात्र आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। इसका शीर्षक है मेरा स्कूल। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, कितना सुंदर जैसे फूल। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, कितना सुंदर जैसे फूल। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, कैसे जाए इसको भूल। स्कूल के शिक्षक जितने सारे मार्गदर्शक हैं हमारे। मेरे स्कूल सा ना कोई दूजा, होती सरस्वती की पूजा। देखने में खूबसूरत जिसकी हमें बड़ी जरूरत। पुस्तकालय वो भंडार जहाँ किताबों की भरमार। लंबे चौड़े हैं मैदान जिस पर हमको है अभिमान। यहाँ पढ़ना लिखना सीखा सुशासन मार तरीका। याद आएंगे स्कूल के दिन जब हम होंगे इसके बिन। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, पवित्र है यहाँ की धूल। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, कितना सुंदर जैसे फूल। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, कैसे जाए इसको भूल। धन्यवाद।